हमारे जुल्म की, किस जुल्म की आप, किस अपराध की सजा हमें दे रहे हैं आज बताइए इस सभा में मान्यो। जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने स्कूलों में जाते थे मकड़ी के जाले लगे होते थे, आज उन स्कूलों के अंदर एयर कंडीशन कमरे दिल्ली के बच्चों के लिए बनाया क्या, ये हमारा अपराध है मान्यो? अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो दुर्योधन हंसता है, कौरव हंसते हैं, अत्याचार और अन्याय होता है तो नादिर हंसता है, बाबर हंसता है, गद्दाफी हंसता है, यह ऐसी याद रखिएगा मान्यवर। लोग पहले कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, दिल्ली सरकार से सीखो। आम जिस प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण राज्यसभा के अंदर धृतराष्ट्र के सामने हुआ था, आज इस सभा के अंदर संविधान का चीरहरण हो रहा है मान्यवर। धन्यवाद मान्यवर। आज इस बिल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी मैं सत्ता पक्ष के लोगों को सुन रहा था, सिंघवी साहब ने बताया कि कैसे ये कानून सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ है, कैसे ये कानून हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, कैसे ये कानून इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है, कैसे ये कानून एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ है। और जिस प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण राज्यसभा के अंदर धृतराष्ट्र के सामने हुआ था, आज इस सभा के अंदर संविधान का चीरहरण हो रहा है मान्यवर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह भारत का संविधान है मान्यवर, और इस भारत के संविधान के तहत 69वें संशोधन के तहत दिल्ली की विधानसभा मिली, और उस 69वें संशोधन में आर्टिकल 239A का क्लॉज 6 साफ तौर पे कहता है कि दिल्ली का मंत्रिपरिषद, सरकार का मंत्रिपरिषद दिल्ली की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यह संविधान कह रहा है, हम नहीं कह रहे मान्यवर, यह देश का संविधान, भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान कह रहा है मान्यवर। और आपने उस संविधान में संशोधन कर दिया बगैर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के, आप एक गैर कानूनी गैर संवैधानिक बिल लाकर आप इस देश के संविधान को तार तार कर रहे हैं, आप भारत की आत्मा को तार तार कर रहे हैं मान्यवर। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने एक सरकार को चुना, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं हमारा अपराध क्या है आज आप बताइए, हमारे जुल्म की, किस जुल्म की आप, किस अपराध की सजा हमें दे रहे हैं आज बताइए इस सभा में मान्यवर। मैं पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे, जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने स्कूलों में जाते थे मकड़ी के जाले लगे होते थे, आज उन स्कूलों के अंदर एयर कंडीशन कमरे दिल्ली के बच्चों के लिए बनाया क्या, यह हमारा अपराध है मान्यवर? दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाया जहां पर 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, लोगों का इलाज फ्री होता है, क्या यह हमारा अपराध है मान्यवर? केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री की, बुजुर्गों की पेंशन दोगुना की, विधवाओं की पेंशन दोगुना की, दिव्यांगों की पेंशन दोगुना की, गेस्ट टीचर की तनख्वाह दोगुना की, क्या यह हमारा अपराध है मान्यवर? हमारा अपराध क्या है? हिंदुस्तान की पहली सरकार जिसने 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया वो सरकार है केजरीवाल सरकार। आज उस सरकार को आप इस अपराध की सजा दे रहे हैं कि हमने जनता के हित में काम किया। आज दिल्ली के सरकार की तारीफ संयुक्त राष्ट्र महासंघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान जी ने की, दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ, दिल्ली के मॉडल की तारीफ अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में हुई मान्यवर। लोग पहले कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, दिल्ली सरकार से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, ऐसी सरकार। ये हंसी सर, ये हंसी याद रखिएगा सर, ऐसे हंसते जब अत्याचार होता है, अन्याय होता है तो रावण हंसता है। नो कमेंट, ये रावण की हंसी है, याद रखिएगा मान्यवर। इस सभा के अंदर अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो दुर्योधन हंसता है, कौरव हंसते हैं, अत्याचार और अन्याय होता है तो नादिर हंसता है, बाबर हंसता है, गद्दाफी हंसता है, यह हंसी याद रखिएगा मान्यवर। ये आज एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार जिसको 2 बार 67 सीट 62 सीट मिली, 90% से ज्यादा एक पार्टी को सीट मिलती है, आप उसकी सरकार को खत्म कर रहे हैं। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं,
कम से कम रविशंकर प्रसाद जी यहां पर मौजूद हैं, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के पूर्ण राज्य की वकालत 2098 के घोषणा पत्र में, 2003 के घोषणा पत्र में, 2008 के घोषणा पत्र में, 2013 के घोषणा पत्र में, 2015 के घोषणा पत्र में आपने हमेशा दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की वकालत की। लेकिन क्योंकि 98 से लेकर आज तक 23 साल से आप चुनाव हार रहे हैं और दिल्ली में केजरीवाल से दो बार आप चुनाव हार गए, इसके कारण से आप एक चुनी हुई सरकार को खत्म करना चाहते हैं, उस सरकार को समाप्त करना चाहते हैं। अभी हमारे भूपेंद्र यादव जी बड़े समझदार व्यक्ति हैं, कह रहे थे राष्ट्रपति सर्वोपरि बताया गया, राज्यपाल सर्वोपरि बताया गया, उपराज्यपाल सर्वोपरि क्यों नहीं बताया जाएगा। तो आज इस सदन में तय कीजिए कि मोदी सरकार मतलब कुछ नहीं, प्रधानमंत्री मतलब कुछ नहीं, गृह मंत्री मतलब कुछ नहीं, जो कुछ होंगे देश के महामहिम राष्ट्रपति होंगे। तय कीजिए सरकार के इस सदन के अंदर मानवर बिल पास कीजिए बिल कि राष्ट्रपति देश को चलाएंगे। आज बताइए दिल्ली में आप फ्री बिजली की योजना बंद करेंगे, लोग किसके पास जाएंगे, एलजी के पास कि मुख्यमंत्री के पास? लोगों ने वोट किसको दिया, दिल्ली की सरकार को कि एलजी को? आपने लिख दिया गवर्नमेंट मींस एलजी, सरकार मींस एलजी। देश के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने, जिससे बड़ी कोई अदालत नहीं हो सकती, उस अदालत ने कहा मान्यवर, साफ तौर पे कहा, तीन विषयों को छोड़कर बाकी सारे के सारे विषय दिल्ली के चुनी हुई सरकार के पास होंगे। आप देश के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ को नहीं मानते, आप भारत के संविधान को नहीं मानते, आप लोकतंत्र को नहीं मानते, आप एक चुनी हुई सरकार का आज गला घोट रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये लोकतंत्र है, यहां जनता मालिक होती है, जनता जब चाहे जिसको अर्श पे पहुंचा दे, जनता जब चाहे जिसको फर्श पे पहुंचा दे। आप जो ये काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इस अपराध के लिए दिल्ली की जनता और देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मान्यवर, दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार को क्यों बर्खास्त करने की, ये बर्खास्त मैं मानता हूं, चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया, सरकार को आपने खत्म कर दिया, आज क्यों किया गया ये? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण, जब दिल्ली में किसान आए और उनको जेल में डालने के लिए आपने 9 स्टेडियम मांगा, केजरीवाल ने कहा हम ऐसा ऑर्डर फेर के फाड़ के फेंक देंगे, हम अपने अन्नदाता को जेल में नहीं डाल सकते, उस अधिकार को छीनने के लिए आप ये बिल लेकर आए हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री की योजना तो छीनने के लिए आप ये बिल लेकर आए हैं। मान्यवर आज बोलने दीजिए हमें, ये लोग बहुत बोल चुके हैं, तो बिल्ली सरकार खत्म कर आपको मौका मिले। मान्यवर दिल्ली में फ्री बिजली की योजना को खत्म करने के लिए, फ्री शिक्षा की योजना को खत्म करने के लिए, फ्री पानी की योजना को खत्म करने के लिए, मोहल्ला क्लिनिक की योजना को खत्म करने के लिए, दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीनने के लिए यह गैर संवैधानिक गैर लोकतांत्रिक बिल लाया गया है और इसका हम विरोध करते हैं। ये बिल रद्द होना चाहिए, वापस होना चाहिए, ये संविधान और लोकतंत्र के विरुद्ध है। और अगर आपके अंदर जरा सी भी आज वोट, आप जरूर बहुमत के आधार पर फैसला कर सकते हैं, धन्यवाद संजय सिंह, लेकिन कभी कभी आत्मा की आवाज पर भी फैसला लेना चाहिए, इधर बैठे हो या उधर बैठे हो, आत्मा की आवाज पर अगर पूछोगे, यहाँ बैठे हुए सारे लोग, धन्यवाद, एक भी मान्यवर सदस्य समाप्त कीजिए, अगर इनका लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराओगे ना तो ये बोलेंगे गलत है, धन्यवाद गलत है। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।